नमस्ते दोस्तों, जय श्री महाकाल। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एस्ट्रो स्पिरिचुअल वर्ल्ड। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर एकता। खुशियों वाली दिवाली सीरीज के पार्ट 5 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो धनतेरस के दिन अगर आप शॉपिंग करने जा रहे हैं तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपने ज़रूर परचेज करनी चाहिए और कौन सी चीज़ें परचेज बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, ये मैं क्विकली इस वीडियो में आप सबको बताने वाली हूँ। धनतेरस के दिन हम सब लोग कपड़े परचेज करते हैं, सोना चांदी परचेज करते हैं, ये बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस माना गया है, गाड़ी भी परचेज करते हैं। लेकिन अगर आप ये सब चीज़ें नहीं परचेज कर सकते तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 5 जो मुख्य चीज़ें हैं जिनका शास्त्रों में बहुत ज़्यादा महत्व है, वो आपने धनतेरस के दिन ज़रूर लेनी चाहिए। सबसे पहले केसर, दूसरा धनिया, धनिये के जो सीड्स होते हैं ना, मसाले वाला धनिया, तो वो धनिये के अखे सीड्स, अखंड सीड्स। तो पहला हो गया केसर, दूसरे हो गए धनिये के सीड्स, तीसरा हो गया नमक, चौथा हो गया झाड़ू और पांचवा हो गया दीपक, दिए, जो आप मिट्टी के दीपक प्रज्वलित करते हैं उनका सबसे ज़्यादा महत्व होता है। तो ये 5 चीज़ें परचेज कीजिए। और उसके साथ साथ धातु यानी मेटल परचेज करने का भी महत्व है, लेकिन वो येलो कलर का होना चाहिए। तो अगर आप गोल्ड नहीं परचेज कर सकते तो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। पीतल का कोई भी मेटल जो होता है, पीतल का आइटम, उसे आप परचेज कीजिए, चाहे पीतल का दीपक हो या कोई भी पीतल के यूटेंसिल्स जो होते हैं, ब्रास के यूटेंसिल्स या फिर कोई डेकोरेटिव आइटम्स आप परचेज कर सकते हैं। तो क्या क्या परचेज करना है आपको? केसर, नमक, धनिये के सीड्स, झाड़ू, मिट्टी के दीपक और उसके साथ साथ येलो कलर के मेटल का कोई भी आइटम, चाहे गोल्ड हो या चाहे पीतल हो। क्या चीज़ें नहीं परचेज करनी चाहिए? तो आपको ब्लैक कलर के कपड़े बिल्कुल भी नहीं परचेज करने चाहिए। काले रंग का कुछ भी नहीं लाना है उस दिन अपने घर में। इनफैक्ट दिवाली के दिनों में ब्लैक कलर का कुछ भी इस्तेमाल भी नहीं करना है और परचेज भी नहीं करना है। उसके अलावा छुरी हो गई, चाकू हो गया, नुकीली चीज़ें हो गई, ये परचेज नहीं करना है। और उसके साथ साथ स्टील या लोहे के बर्तन आपको बिल्कुल नहीं लेने हैं। मैंने देखा है बहुत जगह पे, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द लोग जो होते हैं वो धनतेरस के दिन स्टील के बर्तन लेते हैं। तो प्लीज़ कृपा करके धनतेरस के दिन स्टील का कुछ भी मत परचेज कीजिए। आई नो मेटल यानी धातु परचेज करने का महत्व है, तो आप पीतल का यानी ब्रास का ले लीजिए या फिर आप कॉपर का ले सकते हैं, चांदी का ले लीजिए, गोल्ड का ले लीजिए, लेकिन लोहे और स्टील का कुछ भी नहीं लेना है। स्टील के बर्तन उस दिन लेना अवॉइड कीजिए। सो आई होप मेरा ये यूनिक एंड इंटरेस्टिंग वीडियो आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय।